26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें आईं, साथ ही ये भी खबरें आईं कि प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर सिख धर्म से जुड़ा निशान साहिब का झंडा फहराया। इसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी सहित कुछ भारतीय मीडिया कर्मियों ने यह गलत दावा किया था कि लाल किले पर तिरंगा हटाकर खालिस्तानी झंडा लहराया गया। इन सारी बातों के बाद द स्क्विंट ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ये उन लोगों के लिए है जो कह रहे थे कि लाल किले से तिरंगा नहीं हटाया गया। 8 सेकंड के इस वीडियो में प्रदर्शनकारी को लाल किले पर निशान साहिब झंडा लगाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी के हाथ में तिरंगा है जिसे वो एक दूसरे प्रदर्शनकारी को थमा रहा है। इस छोटे से हिस्से को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उस जगह पहले से तिरंगा मौजूद था जिसे हटाया गया। ट्विटर पर भी कई लोगों ने यह वीडियो शेयर करते हुए ऐसा ही दावा किया। हमने जब गौर से देखा तो वीडियो के ऊपर दाहिनी तरफ डेली पोस्ट पंजाबी का लोगो दिख रहा था। हमने पाया कि इस नाम के एक यूट्यूब चैनल ने 26 जनवरी को किसानों की रैली को 5 घंटे लगातार लाइव कवर किया था। यह वीडियो देखने पर पता चलता है कि सोशल मीडिया पर वायरल दावा बिल्कुल गलत है। जिस जगह की इस वायरल वीडियो में बात हो रही है वहां पहले से कोई भी तिरंगा मौजूद नहीं था। इस लाइव कवरेज के जिस हिस्से को दिखाकर यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय झंडा हटाकर लोगों ने दूसरे झंडे लगाए, उस मौके के आगे पीछे का हिस्सा हम आपको यहां दिखा रहे हैं। यहां से आपको साफ हो जाएगा कि उस जगह पर पहले से कोई झंडा मौजूद नहीं था। हम ये वीडियो आपको बिना काटे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स दाहिनी साइड से भारतीय झंडा लेकर दौड़कर आता है और इस गुंबद पर चढ़े शख्स को देता है। वो शख्स झंडा लगाने की कोशिश करता है लेकिन झंडा नहीं रुकता है और वो इस झंडे को नीचे वाले शख्स को वापस पकड़ा देता है। वायरल हो रहे वीडियो में सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जा रहा है जब वो तिरंगे को वापस दे रहा होता है और इसी हिस्से को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वहां से तिरंगा हटाया गया। हमने इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अभिनव साहा द्वारा पोस्ट की गई कुछ फोटोज में उसी समय की एक फोटो देखी। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि केसरी झंडा पहले से बंधा हुआ है और वहां तिरंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। यहां उसी शख्स के हाथ में तिरंगा दिख रहा है जो वायरल वीडियो में दिखता है। इंटरनेट पर ही मिले एक और वीडियो में हमें यह सीक्वेंस फिर से देखने को मिला। एक शख्स आता है, तिरंगा झंडा ऊपर वाले शख्स को पकड़ाता है, ऊपर वाला शख्स झंडा लगाने की कोशिश करता है, झंडा नहीं रुकता है और वो नीचे झंडा वापस कर देता है। यानी एक 5 घंटे के वीडियो से सिर्फ 8 सेकंड की क्लिप काटकर यह गलत दावा किया जा रहा है कि लाल किले से तिरंगा हटाया गया था।